यहाँ पर एक शिवलिंग बनाई गई है, ऐसी एलईडी लगी हुई है जो सामने आप देख रहे हो। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई ब्लॉग के साथ और आपका प्यारा यूट्यूब चैनल हरीश के निषाद। और मेरा नाम है हरीश। दोस्तों, मैं नंदगांव से आ गया हूँ बरसाने की तरफ वापस, और बरसाने से 1.5 किलोमीटर आगे पड़ता है ये कीर्ति मंदिर, जो कि बिल्कुल सेम प्रेम मंदिर की तरह बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है। और देखिए, पूरी लाइटिंग वगैरह आप पीछे देख रहे हो, प्रेम मंदिर की तरह ही बिल्कुल इसमें लाइटिंग हो रही है। तो देखते हैं घूमकर, यहाँ पर भी मैं पहली बार आया हूँ और आपको भी दर्शन कराते हैं इस मंदिर के और दिखाते हैं चारों तरफ घूमकर कैसा ये बना हुआ है। और काफ़ी कलाकारी की गई है इसमें और अच्छे से छोटी छोटी इसमें कढ़ाई हो रही है इस मंदिर में। सामने आपको साफ साफ लिखा दिख रहा होगा कीर्ति मंदिर, और देखिए सेम बिल्कुल ऐसी ही लाइटिंग है हो रही है जैसे प्रेम मंदिर में जो वृंदावन में बना हुआ है, बिल्कुल ऐसी ही लाइटिंग हो रही है। और जो रात में सुंदर दिखाई देता है वैसा ही रात में ही सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिए लाइटिंग वगैरह देख रहे हो आप, काफ़ी बड़े बीच में बना हुआ है। और इस मंदिर की जो स्थापना जो आप सामने देख रहे हो, श्री कृपालु जी महाराज जी की असीम अनुकृपा से निर्मित प्रेम मंदिर, एक गुरुधाम और भक्ति धाम जो मंदिर है, और प्रेम मंदिर वृंदावन में, तो और ये तीसरा जो मंदिर है कीर्ति मंदिर, ये यहाँ पर बरसाने में बना हुआ है। तो देखिए आप कितनी कलाकारी की गई है इसमें, इस मंदिर बनाने में, और कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। लाइटिंग वगैरह भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रेम मंदिर बना हुआ है। और वहाँ उस वाले प्रेम मंदिर में वो पूतरा पूतरा भी दिखाई गई थी जैसे सामने आप देख रहे हो, तो लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब और अलग तरीके से कुछ दर्शाया गया है, तो वहाँ पर चलकर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से पूतरा नहीं दिखाई गई है। यहाँ पर एक सामने आपको दिख रही है बड़ी सी एक शिवलिंग लगी हुई है, और बीच में जो है श्री कृष्ण जी हैं जो पिचकारी मार रहे हैं, और बराबर में गोपियाँ वगैरह घूम रही हैं। तो पास चलकर दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर एक शिवलिंग बनाई गई है, आप देख रहे हो इसमें से जल बह रहा है, और यहाँ बीच में हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण देखिए पिचकारी मार रहे हैं, और थोड़े पास चलकर दिखाता हूँ मैं। देख रहे हो आप, रात में थोड़ा बहुत आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यही दिन में दिखाई देता तो काफ़ी अच्छा दिखाई देता, लेकिन दिन में लाइटिंग वगैरह नहीं होती है। तो यहाँ पर आप गोपी वगैरह देख रहे हो, यहाँ पर ये पूरा दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए गोपी वगैरह, बहुत सुंदर बना हुआ है। देखिए आपको अगर ये सामने कीर्ति मंदिर नहीं लिखा होता तो आपको सेम प्रेम मंदिर लगता, और देखिए गेट भी सेम बिल्कुल ऐसा ही दिया गया है, लेकिन ये साइड में है जो थोड़ा, बस ये थोड़ा अलग है, ये शायद उसमें बीच में है और तीन गुम्बद टाइप में से मतलब चोटी बनी हुई है उसमें, तो शायद मेरे हिसाब से अंदर कैमरा अलाउ नहीं होगा। तो आप बाहर की लोकेशन देखिए, होली का माहौल है, ये तो रात का समय था, लेकिन अभी जो मैं आया हूँ नंदगांव से आया हूँ तो मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई, तो ज़्यादा श्रद्धालु जो भक्त लोग जो पहुँचे थे नंदगांव में पहुँचे थे, तो इस वजह से अब वो वापस बरसाने पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ज़्यादा आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं है। रात में क्या थोड़ा बहुत आपको देखने में प्रॉब्लम होती है कैमरे में, तो आप देख रहे हो पीछे सेम वैसा ही बनाया गया है जैसे प्रेम मंदिर बनाया गया है, और भक्ति धाम मंदिर जो है इलाहाबाद में वहाँ पर बनाया गया है। तो आप देख सकते हो, देखिए लाइटिंग वगैरह भी कलर वगैरह आप देख रहे हो जैसे प्रेम मंदिर में बदलते हैं वैसे ही इसमें बदल रही है। देखिए ऐसी एलईडी लगी हुई है जो सामने आप देख रहे हो,
और यहाँ लगी हुई हैं, लेकिन हम पास से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, लेकिन दूर से देखेंगे तो काफ़ी चमकता नज़र आता है ये पत्थर जो लगा हुआ है संगमरमर का। और देखिए इस पर कढ़ाई हम देखेंगे तो कितना बारीकी से काम हो रहा है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से कढ़ाई की गई है। अच्छा, प्रेम मंदिर है और भक्ति धाम मंदिर और ये कीर्ति मंदिर जो है ये रात में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनकी लाइटिंग वगैरह जो है ना इससे मंदिर पर काफ़ी फोकस करती हैं। तो आप देखिए सामने, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, फ़ोटो वोटो खींचना मना है। और मैं बाहर का रोड दिखाता हूँ, यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है और कितनी भीड़ होली के समय पर यहाँ पर पहुँची हुई है बरसाने में। और उसके बाद हम पहुँचेंगे कल मेरे हिसाब से वृंदावन, तो और वहाँ की ब्लॉग आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ये है कीर्ति मंदिर और ये है बरसाना और नंदगांव वाला रोड, और यहाँ पर देखिए ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, देखिए काफ़ी यात्री लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं बरसाने वृंदावन मथुरा। तो आप एक बार ज़रूर आएँ बरसाने नंदगांव और मथुरा वृंदावन की होली खेलने, तो ब्रज की होली काफ़ी अनोखी काफ़ी ख़ास होती है, तो मेरा तो मन खुश हो गया फ्रेंड, तो एक बार ज़रूर आएँ आप। तो ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा ब्लॉग था, तो रास्ते में पड़ा ये कीर्ति धाम मंदिर। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नई ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।